स्वागत है दोस्तों आपका डिजिटल सेवा गुजरात चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आधार कार्ड बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका सुपरवाइजर आईडी और ऑपरेटर आईडी ब्लॉक ना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आधार डेटा डेमोग्राफिक अपडेट मतलब आधार मतलब इन्वॉल्वमेंट हम किस बेस पे करेंगे और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आधार कार्ड बनवाने के लिए और चेंज करवाने के लिए। आधार डेटा डेमोग्राफिक डेटा मतलब आधार कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो इसमें मेंशन है। जैसे POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, POA एड्रेस प्रूफ, DOB डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और POR प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। आधार कार्ड बनवाने के लिए ये चार चीज की रिक्वायरमेंट होती है। और डेमोग्राफिक डेटा मतलब जो आधार कार्ड बनेंगे किनके वो इंडियन रेजिडेंट का भी बनेगा और NRI का भी बना सकते हैं। और हम लोग डेमोग्राफिक डेटा में कैप्चर क्या करना है, नेम कैप्चर करते हैं, जेंडर कैप्चर करते हैं और डेट ऑफ बर्थ कैप्चर करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में हमारा तीन ऑप्शन आता है, अप्रोक्सीमेट, वेरीफाइड और डिक्लियर। अप्रोक्सीमेट का मतलब ये होता है कि रेजिडेंट को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उनको केवल उम्र पता है जैसे 20, 25, 30, तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं। अगर वेरीफाइड है, वेरीफाइड में क्या है कि रेजिडेंट के पास उसका प्रूफ होता है तो हम लोग उसको वेरीफाइड बोलते हैं। और डिक्लियर, डिक्लियर में से होगा कि रेजिडेंट को डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो जब हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं अप्रोक्सीमेट और डिक्लियर करेंगे तो हमें कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है। DOB के बाद हमारा ऑप्शन आता है CO का, केयर ऑफ। पहले आधार में जो आता था सन ऑफ, डॉटर ऑफ, फादर ऑफ ये सब आता था, वो सब हट गया, अब ओनली CO आता है, केयर ऑफ। केयर ऑफ में फादर का नाम भी चलेगा, हस्बैंड का भी नाम लिख सकते हैं, मदर का भी, गार्डियन का भी और वाइफ का भी लिख सकते हैं और इसमें ओनली केयर ऑफ आता है। एड्रेस वाले कॉलम में हमें पिन कोड, पोस्ट ऑफिस है ना, पूरा जो प्रॉपर रेजिडेंट का एड्रेस है उसको फिल करेंगे। उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आता है। बाकी ये जो डेमोग्राफिक डेटा हो गया मतलब आधार कार्ड बनाने के लिए इतने डेमोग्राफिक डेटा की जरूरत पड़ती है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, CO, केयर ऑफ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और UCL के थ्रू हम लोग इतने ही चीज का अपडेट करते हैं। डेमोग्राफिक अपडेट में नेम, जेंडर, DOB, केयर ऑफ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद है टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब किस हिसाब से कैसे इन्वॉल्वमेंट करना है, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें ये है तीन टाइप के इन्वॉल्वमेंट है। एक है डॉक्यूमेंट बेस, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट है POI, POA, DOB है तो डॉक्यूमेंट बेस इन्वॉल्वमेंट हो गया। और दूसरा है इंट्रोड्यूसर बेस जो अभी फिलहाल बंद है, अभी इंट्रोड्यूसर बेस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली, गार्डियन के बिहाफ पे, ये बच्चों का होता है इसमें हेड ऑफ फैमिली में। हेड ऑफ फैमिली में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें अपने UCL में इस चीज का जरूरत नहीं है, ये अपने जो नया आधार बनता है वहां पे इसका पहुंच। उसके बाद आता है POI, POI का जो फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स है ना, जिसमें 32 डॉक्यूमेंट है। POI में हमारे 32 जो है डॉक्यूमेंट है UID के लिस्ट में। वैसे ही प्रूफ ऑफ एड्रेस में 45 डॉक्यूमेंट है एड्रेस के प्रूफ में जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट में 14 डॉक्यूमेंट है UIDAI के लिस्ट में और DOB के लिस्ट में 15 डॉक्यूमेंट है DOB के लिए। उसके बाद जो है चार्ज है, नया इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल फ्री है, मैंडेटरी भी फ्री है। 5 to 15 ईयर के जो है बच्चे हैं उनका मैंडेटरी अपडेट जो है फ्री है। मैंडेटरी अपडेट के साथ है ना उसमें वो नाम भी चाहे डेमो कुछ भी कराएंगे उसका पैसा नहीं लगेगा। बायोमेट्रिक अपडेट कराएं या फिर कुछ भी चेंज कराएं उसमें नहीं लगेगा। नॉन बायोमेट्रिक जो है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट का चार्ज 100 रुपया है। अगर कोई फोटो या फिर अपना फिंगर आईरिस अपडेट कराएगा तो 100 रुपया लगेगा। डेमोग्राफिक अपडेट का जो चार्ज है वो 50 रुपया है और आधार प्रिंट का जो चार्ज है वो 30 रुपया है, तो सभी को पता है। उसके बाद आता है एरर, मैनुअल एरर, जो ऑपरेटर गलती कहाँ करता है वो चीज में। अभी क्या है कि ऑपरेटर जो है इंग्लिश में क्या है कि वो नाम लिख रहा है लेकिन लोकल लैंग्वेज में जो है वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हुआ, गलत ट्रांसलेट हो गया और उसने सुधार नहीं किया, तो भी एक तरीके से एरर में ही काउंट होता है। आधार सॉफ्टवेयर में क्या है कि हम लोग नाम इंग्लिश में लिखते हैं
और रीजनल लैंग्वेज में ऑटो ट्रांसलेट होता है, लेकिन वो उसको भी देखना पड़ता है, अगर उसमें मिस्टेक है तो उसको मैन्युअली उसमें सुधार करना पड़ता है। कई सारे ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में लिख लेंगे और टैग प्रेस करके वो ऑटोमेटिक जो ऑटो ट्रांसलेट हुआ है उसी पे वो आगे बढ़ जाते हैं, वैसा नहीं करेंगे हम। इंग्लिश जो इंग्लिश में वो जो नाम लिखेंगे उसको लोकल लैंग्वेज वाले भी नाम चेक करेंगे गुजराती में। सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे होता है, इंग्लिश में नाम सही रहता है और गुजराती लैंग्वेज में नाम गलत हो जाता है। तो गुजराती लैंग्वेज में नाम जो है वो सुधारना पड़ता है उसमें जाके। डेमोग्राफिक डेटा में भी नेम, जेंडर, डीओबी, एड्रेस जो है प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट पे दिया है वही लिखेंगे, बाकी अलग से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। के बिहाफ पे होना चाहिए, अलग से उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, नाम में भी ऐड नहीं करेंगे और एड्रेस में भी ऐड नहीं करना है। फोटोग्राफ की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट की भी क्वालिटी हम चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट विजुअल है कि नहीं, रीडेबल है कि नहीं। अगर विजुअल और रीडेबल नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेंगे। और डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी भी चेक करेंगे, जैसे पासपोर्ट है तो अभी वैलिडिटी है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ है, वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी भी वैलिडिटी चेक कर लेंगे, वो भी वैलिडिटी के अंडर है कि नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ है। खासकर पासपोर्ट में और ड्राइविंग लाइसेंस में ये चेक करना जरूरी रहता है। बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे भी गलती करते हैं जो जेंडर एम सेलेक्ट करते हैं मेल का है और उसको फोटो लिए मेल का और जेंडर में सेलेक्ट कर लिए फीमेल, ये भी गलती बहुत सारे ऑपरेटर करते हैं जो अपडेट करते हुए क्या बोले चेंज नहीं करते हैं और देखते नहीं है, बाय मिस्टेक हो जाता है, वो चीज का भी ध्यान रखना है। एज फोटो मिसमैच ये भी ध्यान रखना है, फोटो किसी एज हम कुछ और लिख दिए है ना 25-30 साल फोटो ले लिए बच्चे का, वो भी गलत है ना। अब पुअर क्वालिटी फोटो भी कैप्चर नहीं करना है। एरर इन नेम एंड एड्रेस है ना, डॉक्यूमेंट में जैसा नाम है एड्रेस जो है आधार सॉफ्टवेयर में लिखना है। नेम एंड एड्रेस ट्रांसलेशन ये खासकर चेक करनी है, हम जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे वो लोकल लैंग्वेज में प्रॉपर ट्रांसलेट होना चाहिए, अगर प्रॉपर नहीं हुआ है उसको एडिट करके करेक्ट करेंगे। और इनकम्प्लीट एड्रेस भी फिल नहीं करना है, एड्रेस प्रूफ में जैसा एड्रेस दिया गया है सेम वही एड्रेस टाइप करना। इसके बाद है जनरल गाइडलाइंस, नेम के आगे रेजिडेंट के नेम के आगे किसी भी तरह का सैल्यूटेशन या फिर स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करना है, जैसे मिस्टर हो गया, मिसेज हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब में एड नहीं करना है, कर्नल हो गया, ये सब नेम के आगे एड नहीं करना है, श्री भी नहीं लगाना है, ये खासकर ध्यान रखनी है। और मल्टीपल नेम भी अलाउ नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीना आका छोटी, रीना छोटी, ऐसे नहीं करना है, नाम एक ही है तो एक ही रहेगा, डबल नेम नहीं लिखना है। यहाँ तक कि स्पेलिंग चेंज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर एड्रेस प्रूफ में कविता लिखा है ना और डॉक में और एड्रेस अगर हम लोग सॉफ्टवेयर में चेंज करते हैं तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आईडी प्रूफ में जो नाम लिखा है सेम वैसे ही नाम हमें आधार सॉफ्टवेयर में एंटर करना है। नाम के आगे किसी भी तरह का जैसे मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, कर्नल, ये सब एड नहीं करना है ना। डबल नेम भी नहीं लिखना है, जो सिंगल नेम है वही लिखेंगे ना। और स्पेलिंग चेंज भी नहीं करना है, आईडी प्रूफ में जैसा स्पेलिंग है सेम वही इंटर करना है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट एरर, पुअर क्वालिटी की डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, मतलब वो रीडेबल नहीं है, अगर विजुअल नहीं है, दिख नहीं रहा है, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेना है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो यूआईडीआई के लिस्ट में नहीं है उसको नहीं लेना है। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, अगर उसमें कुछ मिसमैच है या फिर ओवर राइटिंग किया गया है तो उसको भी नहीं लेना है। इनकरेक्ट फोटो, फोटो भी चेक करना है कि उनका फोटो डॉक्यूमेंट पे प्रॉपर है कि नहीं है। फ्रॉड डॉक्यूमेंट में जैसे प्रिंटेड हो गया, रिसिप्ट हो गया, एनरोलमेंट फॉर्म या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी नहीं लेंगे। बहुत सारे हमारे ऑपरेटर जो हैं वो एनरोलमेंट फॉर्म को ही आईडी प्रूफ में स्कैन कर देते हैं, वो भी गलत है, वो भी रीजन है ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट होने का। इनकम्प्लीट और हाफ स्कैनिंग भी नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट का जो हम स्कैनिंग करेंगे पूरा प्रॉपर करेंगे। ये भी हम चेक करेंगे जो डॉक्यूमेंट, जो रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट लाया है वो यूआईडीआई के लिस्ट में है कि नहीं है, अगर यूआईडीआई के लिस्ट में नहीं है वो डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं लेंगे। नेम, एड्रेस एंड डीओबी
प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट में चेक कर लेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी या जेरोक्स नहीं लेना है। अभी भी कुछ ऑपरेटर है जो डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स स्कैन कर देते हैं, बल्कि अब जो है केवल हार्ड कॉपी ही एक्सेप्ट करना है। हार्ड कॉपी लेंगे, स्कैन करेंगे और फिर रेजिडेंट को वापस कर देना है। एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट, नॉट वैलिड, कैंसिल, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है नहीं लेना है। अनदर कंट्री द्वारा इशू किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, चाहे पासपोर्ट हो या फिर डीओबी हो, कुछ भी हो, अगर दूसरे कंट्री का है तो वो वैलिड नहीं है। टेम्पर डॉक्यूमेंट, अगर कोई आईडी प्रूफ पे ओवरराइटिंग है या फिर एडिट किया गया है या फिर अलग से कुछ लिखा गया है तो उसको भी नहीं लेना है। नेम, फुल नेम चेंज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कोई रेजिडेंट पूरा नाम चेंज कराना चाहता है तो उसके लिए गजट नोटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है। बाकी अगर वो यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रहा है तो उससे भी नहीं होगा। पूरा नाम चेंज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन ही चलेगा। और ये भी हम बता दें कि पूरा नाम आधार में पूरा नाम चेंज करने के लिए गजट नोटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तो ही पूरा नाम चेंज होता है। यूआईडीआई के स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंप्लीट नेम चेंज नहीं होता है, केवल इसमें अपडेट होता है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, हम कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट या कोई प्लेन जो इमेज है उसको स्कैन नहीं करना है। किसी भी तरह का इमेज, स्क्रीनशॉट या फोटोग्राफ भी आईडी प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में स्कैन नहीं करेंगे। XMLA, XMP या फिर एक्स सरपंच का साइन सिक्का वाला जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करना है। प्रेजेंट जो MLA, MP या सरपंच है उनका ही वैलिड है। रिजेक्टेड, कैंसिल, एक्सपायर्ड, OCI, ओवरसी डॉक्यूमेंट जो भी है ये भी एक्सेप्ट नहीं है, इसको भी नहीं लेना है। किसी भी तरह का एफिडेविट जो डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं लेना है। नोटरी किया हुआ जो डॉक्यूमेंट है वो भी वैलिड नहीं है, वो चीज का भी ध्यान रखेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो कलर में स्कैन करने हैं, ब्लैक स्कैन नहीं करेंगे। ये हमारे कुछ सैंपल हैं डॉक्यूमेंट का, टेम्पर डॉक्यूमेंट का। अगर पेन से कुछ लिखा गया है या फिर एडिट किया गया है तो इस तरह के डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर देना है, नहीं लेना है। ये हमारा जो यूआईडी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसको कैसे भरना है, यहाँ पे प्रॉपर पूरा दिया गया है। 3 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर डेट डाला गया है तो 3 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए, पूरा प्रॉपर डेट भरा होना चाहिए। और जो भी हम उसमें लिखेंगे ना, नाम या एड्रेस, पूरा जो है कॉलम में ही होना चाहिए, कॉलम से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर अपडेट का फॉर्म है तो उसमें आधार नंबर मैंडेटरी मेंशन होना चाहिए। पूरा जो फुल नेम है वो प्रॉपर कॉलम में मेंशन करेंगे। जितनी भी टाइप है ना सबको पूरा फिल करनी है, नेम, एड्रेस, DOB, प्रॉपर फोटोग्राफ है ना, रेजिडेंट का साइन और थंब पूरा प्रॉपर इसमें फिल होना चाहिए, तो ही एक्सेप्ट करेंगे। इस पे कोई ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, कोई वाइटनर का भी यूज नहीं होना चाहिए। अगर एडिट वाला डॉक्यूमेंट अगर ऑपरेटर स्कैन करेगा तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट में आएगा और आईडी जो है 1 ईयर के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। इसके बाद है सर्टिफायर का डिटेल। सर्टिफायर का भी डिटेल जो है वो कैप्स लॉक में और कॉलम के अंदर ही भरना है। प्रॉपर उनका डिजिग्नेशन भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और कॉन्टेक्ट नंबर भी भरेंगे। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सर्टिफायर हैं जो अपना स्टैंप लगा देते हैं, वो वैलिड नहीं है, वो प्रॉपर भरना ही है। इसमें स्टैंप के लिए अलग से कॉलम बनाया गया है, स्टैंप और साइन के लिए। अभी हमारा एरर टाइप आ गया, DE एरर। इसमें जेंडर है, जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच है ना, नेम इनकम्प्लीट है, ये सारे है। जैसे जेंडर कुछ और है, फोटो किसी और जेंडर का है वो मिसमैच आता है, एज फोटो मिसमैच है ना। जैसे मान लो आप एज है 50 साल और फोटो उससे कम उम्र का दिख रहा है तो भी वो गलत है ना। इस पे UID पेनल्टी भी लगाती है, ₹25 per packet और 1 ईयर के लिए सस्पेंड भी कर देती है। DOE 2 में है पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो पुअर क्वालिटी में आ जाएगा। डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच, मतलब डॉक्यूमेंट प्रूफ में नाम कुछ और है, डेटा कुछ और है, सॉफ्टवेयर में कुछ और एंट्री कर दी है, वो डेमोग्राफिक मिसमैच में आएगा। वैसे ही हमारा BE में है, बायोमेट्रिक में, बैड क्वालिटी का फोटो, फोटो भी अच्छी क्वालिटी की कैप्चर करना है। उसके बाद आता है DOE 1,
हमारे UCL में जो सबसे ज्यादा जो एरर आता है वो DOE 1 का ही आता है, जिसपे UID जो है 1 ईयर के लिए ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट कर देती है। DOE 1 में जो है फेक डॉक्यूमेंट, मतलब अगर कोई जेरोक्स डॉक्यूमेंट आता है, पैन कार्ड भी फर्जी आते हैं उसके भी यहाँ पे करेंगे, वो भी फेक इन्वॉल्वमेंट ही हो गया। तो ये फेक डॉक्यूमेंट पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। अगर डॉक्यूमेंट वो टेम्पर है, एडिट किया हुआ है, तो भी नहीं लेना है। और जो एरर आएगा वो DOE 1 में आता है, और DOE 1 में UIDAI जो है ऑपरेटर को 1 ईयर के लिए ब्लैकलिस्ट भी करती है और 10,000 रुपए की पेनाल्टी भी लगाती है। फेक डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लेंगे, पैन कार्ड हो या फिर वोटर आईडी हो, का ध्यान से एक बार चेक कर लेंगे। सेम चीज बायोमेट्रिक में भी है, प्रॉपर फोटो लेना है, जिसका इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं उसी पर्सन का फोटो लेंगे। ह्यूमन फोटो मशीन फोटो से फोटो नहीं लेना है, रेजिडेंट का ही फिजिकल फोटो कैप्चर करेंगे। और सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह का एब्यूज वर्ड का यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर जो नाम है एड्रेस है वही फिल करना है, उसके अलावा और कुछ भी उसमें फिल नहीं करेंगे। इसके बाद ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना, वंस आधार इज जनरेटेड, एक बार आधार बनने के बाद जो नाम है ओनली 2 बार चेंज हो सकता है। आधार कार्ड जनरेट होने के बाद रेजिडेंट ओनली 2 बार नाम चेंज करा सकता है, 2 बार नाम चेंज कराने के बाद तीसरी बार नाम चेंज नहीं होगा। सेम चीज जेंडर में है, आधार जनरेट होने के बाद ओनली 1 बार जो है जेंडर चेंज होगा। DOB में भी ऐसे ही है, आधार जनरेट होने के बाद ओनली 1 बार जो है चांस का है DOB चेंज कराने का। बहुत सारे रेजिडेंट ऐसे होते हैं जिनको पता रहता है लेकिन वो बताते नहीं है, वो नाम और DOB चेंज कराते रहते हैं और रिजेक्ट होता रहता है। एक बार उनसे पूछ लेंगे कि आपने पहले अपडेट कराया है कि नहीं कराया है। आधार जनरेट होने के बाद नाम ओनली 2 बार चेंज होगा, जेंडर ओनली 1 बार है ना। सेम चीज डेट ऑफ बर्थ में भी है, आधार जनरेट होने के बाद डेट ऑफ बर्थ जो है 1 बार जो है चेंज करा सकता है रेजिडेंट। काम कर रहा है वही ऑपरेटर काम करेगा उस मशीन पे, दूसरा ऑपरेटर काम नहीं करेगा। जो ऑपरेटर उसमें ऑनबोर्ड है वही ऑपरेटर काम करेगा। किसी भी तरह रेजिडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट, चाहे वो फॉर्म हो या फिर ID प्रूफ हो, एड्रेस प्रूफ हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी नहीं रखना है, स्कैन करके फिर वापस रेजिडेंट को दे देना है। और आधार सॉफ्टवेयर में सन ऑफ, डॉटर ऑफ ये मेंशन नहीं करना है, ओनली ऑप्शन जो है CO का है, केयर ऑफ का, केयर ऑफ में ही फिल करना। डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए 5वीं और 8वीं क्लास की जो मार्कशीट है वो भी वैलिड है। बहुत सारे ऑपरेटर जो होते हैं जो 5वीं और 8वीं की मार्कशीट नहीं लेते हैं, बल्कि वो भी वैलिड है। जेंडर चेंज कराने के लिए ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट कराने के लिए किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जेंडर चेंज, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बाकी अगर वोटर ID से हम नाम चेंज कर रहे हैं, वोटर ID का बोथ साइड, दोनों साइड स्कैन करना है, फोटो वाला साइड भी और एड्रेस वाले साइड भी। वोटर ID से नाम चेंज करेंगे, वोटर ID को बोथ साइड स्कैन करेंगे, दोनों साइड स्कैन करना है। ये नहीं कि हम नाम चेंज कर रहे हैं तो नाम वाले साइड ही स्कैन कर ले, और एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो एड्रेस वाला साइड ही केवल स्कैन कर ले, ऐसा नहीं है। अगर वोटर ID से नाम या फिर एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो दोनों साइड वोटर ID को सॉफ्टवेयर में स्कैन करेंगे। और जेंडर चेंज करने के लिए, फोटो अपडेट करने के लिए, मोबाइल और ईमेल के लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। बाकी ये स्लाइड पे जो है वो डॉक्यूमेंट आपको जो दिख रहा है वो UIDAI के लिस्ट में नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर UIDAI के लिस्ट में नहीं है उसको हम स्कैन नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और रेजिडेंट को प्रॉपर समझा देंगे कि ये जो आप डॉक्यूमेंट लाए हैं ये वैलिड नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट है वो लाइए, उसके भी आप पे हम लोग इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ये चीज ऑपरेटर को भी बताएंगे। सेम देखिए ये भी है, रेजिडेंट बोलता है कि आधार कार्ड से ही कर लो, बल्कि आधार में चेंज करने के लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं है। आधार में चेंज कराने के लिए आधार कार्ड वैलिड नहीं है, आधार से आधार में चेंज नहीं कर सकते हैं कुछ भी है। सेम जैसे पे स्लिप है, पे स्लिप से भी एड्रेस और नाम चेंज नहीं होगा, ये UID के डॉक्यूमेंट के लिस्ट में नहीं है। जैसे डेमोग्राफिक डेटा मिसमैच है, जैसे पैन कार्ड पे नाम कुछ और है और ऑपरेटर ने नाम कुछ और डाल दिया तो डेमोग्राफिक मिसमैच आएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। पैन कार्ड पे जैसा नाम है सेम वैसा ही नाम हमारे सॉफ्टवेयर में लिखना है, चाहे वो नया हो या फिर अपडेट कर रहे हो। सेम चीज इसमें भी ऐसे ही है, फोटो में पैन कार्ड में नाम कुछ और है, ओनली यहाँ तक कि एक स्पेलिंग भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे इनका नाम लक्ष्मण राव हुंडे है
और आधार सॉफ्टवेयर में लक्ष्मण राव हैंडे कर दिया, ये भी गलत है। आईडी प्रूफ में जैसा स्पेलिंग में नाम लिखा गया सेम वैसे ही लिखना है। पुअर क्वालिटी का डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट विजुअल नहीं है, रीडेबल नहीं है, उसको नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम स्कैन करेंगे तो और भी नहीं दिखेगा और रिजेक्ट हो जाएगा। पासबुक से रेजिडेंट को अगर नाम चेंज करानी है तो पासबुक पे फोटो और फोटो पे बैंक का स्टैम्प और उनके जो एग्जीक्यूटिव है बैंक में उनका साइन होना चाहिए वो, लेकिन दिखना चाहिए। पासबुक क्या है कि पासबुक जो है बहुत सारे पासबुक विजुअल नहीं होते हैं, ना इसको आदमी पढ़ नहीं सकता है। पासबुक ऐसे ही आते हैं जो रीडेबल भी नहीं होते हैं और विजुअल भी नहीं होते हैं, वो चीज का ध्यान रखनी है। अगर हम पासबुक से इनरोलमेंट कर रहे हैं वो विजुअल और रीडेबल हो, क्योंकि पासबुक प्रिंटर जो होते हैं वो काफी लाइट रहता है और उसमें वो दिखता नहीं है। सेम ऐसे है, पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट है और कोई भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, किसी भी तरह का बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। जिससे सेम अपा देखिए ये भी ऐसे ही है, पुअर क्वालिटी है। जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे वो पूरा प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए, रीडेबल नहीं है तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेम में भी है, पुअर क्वालिटी इसमें दिख नहीं रहा है। अभी भी क्या है कि बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं जो इनरोलमेंट करने के बाद जो स्लिप निकलती है उसी स्लिप को आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में स्कैन कर देते हैं। अगर ऑपरेटर ऐसा करता है तो वो जो है पक्का जो है वो ब्लैकलिस्ट होगा साल भर के लिए, 10,000 रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो इनरोलमेंट करने के बाद जो स्लिप निकलती है इनरोलमेंट की उसी स्लिप को आईडी और एड्रेस प्रूफ में स्कैन कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है। सेम देखिए ऐसा इसमें भी है, फ्रॉड डॉक्यूमेंट। पैन कार्ड में नाम कुछ और है, सॉफ्टवेयर में नाम कुछ और है, फ्रॉड में आ जाएगा उस पर भी ऑपरेटर की जो आईडी है वो सस्पेंड हो जाएगी। फोटो क्वालिटी भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर बच्चे का फोटो हम ले रहे हैं है ना, अगर बच्चा अगर माँ के गोद में है तो दो फेस नहीं आना चाहिए, एक ही फेस आना चाहिए केवल बच्चे का, डबल फेस कैप्चर नहीं करना है। बच्चे का इनरोलमेंट कर रहे हैं तो ये सब में डबल फेस है और सब पुअर क्वालिटी का है, रिजेक्ट होगा। सेम चीज देखिए, जेंडर मिसमैच है, ये अपडेट में होता है मोस्टली, बहुत ज्यादा अपडेट में इस तरह की जो है मिस्टेक होती है। अगर कोई रेजिडेंट मेल है तो उसका बाय मिस्टेक फीमेल हो जाता है, ये केस भी बहुत आते हैं। अभी हम आधार सेंटर पे आते ही हैं ऐसे केस है, जेंडर मिसमैच वाले। अभी UIDAI ने क्या किया है, नए सॉफ्टवेयर में जेंडर और DOB में और नाम में दो दो बार ऑप्शन दिया है, दो दो बार एंट्री करनी है नाम में, DOB में और जेंडर में। ऑपरेटर जो है यार दो दो बार एंट्री करता है कि कम से कम गलती हो, दोबारा एंट्री करे तो कम से कम वो देखे, गलती का चांस कम हो। अभी आधार का जो नया वर्जन है उसमें नाम, DOB और जेंडर दो दो बार इंटर करना रहता है, इसलिए कि मिस्टेक कम हो। पहली बार अगर उसने मिस्टेक किया तो दूसरी बार वो मिस्टेक को सुधार ले। सेम ऐसे ही एज फोटो मिसमैच में आता है, जैसे एज ज्यादा लिख दिया गया, फोटो बच्चे का है, फोटो बच्चे का है, एज ज्यादा हो गया, ये चीज का भी ध्यान रखनी है। नाम में भी ऐसे हम किसी भी नाम में उर्फ नहीं लगाएंगे, जैसे यहाँ पे माया उर्फ ओम मती है, ऐसे उर्फ वगैरह नहीं लगानी है। सेम ऐसे इसमें भी आपको है, नाम में किसी भी तरह का ब्रैकेट में वो सब एड नहीं करना है। इसे यहाँ पे इनका बुल्लू रानी महात्मा दास है, ये गलत है, ऐसे ही नहीं करना है। अभी भी कई सारे हैं जो फोटो के जगह पे कुछ और फोटो ले लेते हैं, वो भी गलत है। खैर UCL से तो नहीं होता है, लेकिन आधार सेंटर पे अपना वो ध्यान रखेंगे। फोटो से भी फोटो नहीं लेना है, फिजिकली फोटो ही रेजिडेंट का लेना है, फोटो टू फोटो नहीं होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है कि सबसे ज्यादा एरर जो अभी यही आ रहा है ट्रांसलेशन का, लोकल लैंग्वेज में इंग्लिश में नाम सही रहता है और लोकल लैंग्वेज में नाम गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है कि जो ऑपरेटर है वो लोकल लैंग्वेज में जो स्पेलिंग है नाम है वो करेक्ट नहीं करता है। इंग्लिश में नाम अगर टाइप कर रहे हैं, अगर ऑटो ट्रांसलेट हुआ है तो उसमें गलत है तो उसको सुधार करेंगे, लोकल रीजनल लैंग्वेज में नाम को सुधार करेंगे। अभी भी क्या है कि गुजरात में बहुत लोगों का जो आधार कार्ड आ रहा है वो इंग्लिश में नाम सही है, गुजराती में क्या है कि गलत हो जा रहा है, अड़ का र हो जा रहा है। वैसे भी फोटो ऑफ डिफरेंस पर्सन ये भी नहीं करना है, रेजिडेंट का ही फोटो लेना है, दूसरे पर्सन का नहीं लेना है। जिस रेजिडेंट का हम इनरोलमेंट कर रहे हैं उसी रेजिडेंट का फोटो लेना है। अब हम आते हैं UCL पे, अपडेट क्लाइंट लाइट। UCL का हमारा ये लॉगिन पेज है। UCL में क्या है कि ऑपरेटर अपना आईडी सेलेक्ट करता है, नाम आधार नंबर नाम सेलेक्ट वो आईडी डालेगा, नाम ऑटोमेटिक फैच हो जाके आ जाता है, फिर अपना आधार नंबर डालता है और फिंगर लगा के कैप्चर करके लॉगिन पे क्लिक करता है। उसके बाद हम सिंक करने के बाद जो है ये वाली पेज ऐसी पेज आ जाती है, इसमें लाइफ साइकिल पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज ओपन हो जाता है।
इसमें हम रेजिडेंट का आधार लेते हैं, कैप्चर करते हैं, और उनका ऑपरेटर का बायोमेट्रिक और रेजिडेंट का बायोमेट्रिक कैप्चर करके फाइंड आधार पे क्लिक करते हैं। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद जो है वो पेज जो है ऐसे पेज ओपन हो जाती है। इसमें हम लोग पेन वाले आइकॉन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। नाम में चेंज करना है, नाम वाले पे क्लिक कर देंगे, एड्रेस पे तो एड्रेस पे। हम तो दोस्तों इस प्रकार हमें आधार एनरोलमेंट और अपडेट के समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करने से हम ब्लैकलिस्ट होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारी डिजिटल सेवा गुजरात चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।